आप सुन रहे हैं रूना आशीष की लिखी कहानी जूनियर शेफ, सोनल कौशल की आवाज में। एपिसोड 1, छोटी सी आशा। वाओ, कितना सुंदर केक बना है। अब मैं फटाफट इसकी आइसिंग कर देती हूँ। आरुषि ने बोल में क्रीम ली, फिर फटाफट उसमें आइसिंग शुगर और एक टेबलस्पून मिल्क मिक्स किया, फिर उसे अच्छे से फेंटा। फ्लेवर ऐड करने के लिए वनीला एसेंस की बोतल उठाई और उसकी कुछ बूंदे डाली, फिर से उन्हें मिक्स किया और कोन से केक पर एक सुंदर सा डिजाइन बनाया। सो मिस आरुषि, आपका केक रेडी है? यस मैम। आरुषि एक लाइव कुकरी शो में स्पेशल गेस्ट के रूप में इनवाइटेड थी। सबकी नजरें उस पर टिकी हुई थी। शो की होस्ट मिस मेनका मुस्कुराते हुए बड़े स्टाइल से चलते हुए उसके पास आईं। तो आइए देखते हैं जूनियर शेफ 2018 की स्टार पार्टिसिपेंट मिस आरुषि का केक कैसा बना है। जैसे ही मेनका ने पहला बाइट मुंह में डाला, यक, ये कैसा केक है? वनीला केक की जगह आपने तो चाइनीज केक बना दिया है। इसमें सोया सॉस भी है और नमक भी। मेनका की बातें सुनकर सभी ओर से जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। भीड़ में सुखबुगाहट शुरू हो गई। अरे, इसे जूनियर शेफ में कैसे एंट्री मिली? धीरे धीरे आवाजें तेज हो गई। लूजर, लूजर, इसको बाहर निकालो। तभी आरुषि की नजर शुगर और एसेंस की बोतल पर पड़ी। उसने गलती से आइसिंग शुगर और वनीला की जगह नमक और सोया सॉस की बोतलें उठा ली थी। अरे, ये कैसे हो गया? प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मुझे कंपटीशन से बाहर मत कीजिए। प्लीज लिसन टू मी, प्लीज। आरुषि को तभी एक आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे दूर से कोई पुकार रहा था। दीदी, दीदी। आरुषि की आंखें अचानक खुली और वो हड़बड़ाकर उठ गई। राशि, तुम? दीदी, क्या हो गया? कौन आपको बाहर निकाल रहा है? क्या आप सो गए थे? हाँ, नींद आ गई थी। कल रात मुझे टेंशन में नींद ही नहीं आई। ओ गॉड, राशि, तुम्हें पता है कितना बुरा सपना देखा मैंने? आरुषि के हाथ में एक कुकरी बुक थी, जिसे पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरी में ना जाने कब उसकी आंख लग गई थी। कैसा सपना? अभी आपका स्कूल में कुकरी कॉम्पिटिशन है ना? आपके फ्रेंड्स भी आपको ढूंढ रही थी। आरुषि की नजर रिस्ट वॉच पर पड़ी तो वो घबरा गई और तेज कदमों से स्कूल की होम साइंस लैब की ओर भागी। फिर कुछ सोचकर अचानक पलटी और राशि के पास आई। उसने प्यार से राशि के गाल सहलाए। थैंक्स राशि। मुस्कुराते हुए राशि ने आरुषि को किस किया, और इससे पहले कि राशि कुछ कह पाती, आरुषि मुस्कुराकर वापस लैब की ओर भागी। राशि पीछे से जोर से चिल्लाई, बेस्ट ऑफ लक दीदी। राशि उसकी छोटी बहन थी, उम्र 8 साल, गोल मटोल, घुंघराले बाल, मोटी मोटी आंखें, गोरी और बोलने में तो पूरी ऑल इंडिया रेडियो। आज इंदौर के जाने माने रेनबो पब्लिक स्कूल में कुकरी कंपटीशन था, जिसमें जूनियर शेफ कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए बेस्ट स्टूडेंट को चुना जाना था। थोड़ी ही देर में राम्या मिस भी वहां पहुंच गई। कद 5 फीट 4 इंच, उम्र लगभग 35 वर्ष, लाल पाड़ की सफेद साड़ी और बड़ी सी बिंदी लगाए हुए वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो हायर क्लासेस की होम साइंस टीचर थी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज यहाँ ऑल इंडिया लेवल पर होने वाले जूनियर शेफ कंपटीशन के लिए आपके बीच से बेस्ट स्टूडेंट चुना जाना है। होप यू आर रेडी फॉर दैट। आपके यूज करने के लिए सारे किचन अप्लायंसेस राइट हैंड साइड के प्लेटफॉर्म पर रखे हैं, और आपको सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करना है और फिर सब साफ करके भी रखना है। आरुषि ने अपने आसपास नजरें दौड़ाई। 7th, 8th और 9th स्टैंडर्ड के कुल 15 स्टूडेंट्स भाग ले रहे थे, जिनमें से सिर्फ 2 लड़के थे। वो दोनों आरुषि की ही क्लास के थे, अविनाश और मोहित। आरुषि अच्छी तरह जानती थी कि वो सिर्फ एंजॉय करने के लिए ही इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जैसे ही आरुषि की आंखें अविनाश की आंखों से मिली, वो शरारत से मुस्कुराने लगा।
सुन आरुषि, कुछ अच्छा बनाना, इसी बहाने मेरी और मोहित की पार्टी हो जाएगी। क्यों मोहित? हाँ हाँ, मैं तो अच्छा ही बनाऊंगी, पर बिना पूछे मेरे टिफिन चट कर जाने वाले चटोरों, तुम दोनों क्या बनाने वाले हो? आरुषि की बात सुनकर मोहित जोर से हंसा और उसके पास आ गया। देख, सामने ब्रेड रखी है, हम तो उसी पर मक्खन लगा देंगे। हो गई हमारी डिश तैयार। हम तो सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमें ये डिशेस टेस्ट करने के लिए मिल जाए। अविनाश ने मोहित के कंधे पर हाथ रखा और उसकी हाँ में हाँ मिलाई। यही तो है हमारा असली प्लान, खाओ पियो मजे करो, समझी? लैब में हो रहे शोर को सुनकर राम्या मिस नाराज हो गई। कीप क्वाइट स्टूडेंट्स। 10 दिन पहले जब प्रिंसिपल मैडम ने इस कंपटीशन के बारे में असेंबली में अनाउंस किया था, तब से आरुषि ने सोच लिया था कि उसे इस कॉन्टेस्ट के लिए सेलेक्ट होना ही है। ये एक बढ़िया मौका था उसके पास अपने सपनों में रंग भरने का। क्लास 8 में पढ़ने वाली आरुषि को खाना बनाना उतना ही पसंद था जितना कि मैथ्स और साइंस ना पसंद। उसे तो जीरो में भी लड्डू दिखता था और ट्राइंगल में समोसा। 13 साल की दुबली पतली सांवली आरुषि, लंबी लंबी दो चोटियों और स्कूल की यूनिफॉर्म, ब्लू कलर की शॉर्ट स्कर्ट और व्हाइट शर्ट में बहुत प्यारी दिखती थी। दोपहर के 2:30 बजने वाले थे, सारे कंटेस्टेंट्स आ चुके थे। राम्या मिस कंपटीशन के रूल्स के बारे में बताने लगी। स्टूडेंट्स, आप सभी को एक ऐसी डिश बनानी है जो टेस्टी हो, फिलिंग हो और जिसका प्रेजेंटेशन भी नंबर वन हो। इसके लिए आपके पास 90 मिनट्स हैं, यानी 1.5 आवर का टाइम है। ठीक 4 बजे सारी डिशेस टीचर्स के सामने रखी जाएंगी। टीचर्स प्रेजेंटेशन और टेस्ट के बेसिस पर आपकी डिशेस को मार्क्स देंगे। जिस पार्टिसिपेंट को सबसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे वो जूनियर शेफ के लिए क्वालिफाई होगा। फिर राम्या मिस ने अपने राइट हैंड से एक चौड़े टेबल की तरफ इशारा किया। यहां से तुम इंग्रेडिएंट्स ले सकते हो। यदि कुछ ऐसा चाहिए जो वहां नहीं है तो तुम मुझसे मांग सकते हो। एनी क्वेश्चंस? कोई कुछ नहीं बोला। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये सुनते ही सारे बच्चे उस चौड़े टेबल पर टूट पड़े। टेबल काफी भरा हुआ था। वहां कई इंग्रेडिएंट्स रखे थे, जैसे आटा, बेसन, मैदा, दाल, चावल, सब्जियां, फल, तेल, घी, मक्खन, ब्रेड, अंडे और भी बहुत कुछ। किसी ने स्प्राउट्स उठाए तो किसी ने पराठे बनाने का सामान। पर अविनाश और मोहित ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही किया, केवल ब्रेड और मक्खन ही उठाया। आरुषि ने भी अपनी डिश के लिए वहां से इंग्रेडिएंट्स उठा लिए, लेकिन उसे कुछ और भी चाहिए था जो टेबल पर नहीं था। वो राम्या मिस के पास पहुंची। मिस, थोड़ी सी किशमिश, काजू और नारियल मिल सकता है? तुम अपनी जगह पर पहुंचो, मैं अभी भिजवाती हूँ। वैसे क्या बना रही हो तुम? उससे ये पूछते पूछते राम्या मिस ने स्टोर रूम की चाबी ऑफिस बॉय सोनू को दे दी। मिस, समोसे। फिर आरुषि अपना पसंदीदा छोटू समोसा बनाने में जुट गई। उसे पता था कि उसके समोसे अच्छे बनते हैं। अगला 1 घंटा तो सारी तैयारियों में बड़ी जल्दी बीत गया। अब केवल 1/2 घंटा बचा था और किचन अप्लायंसेस कम थे, इसलिए वहां भीड़ लगी हुई थी। हैंड मिक्सर छोड़ सभी अप्लायंसेस के लिए लाइन लगी थी। आरुषि ने इंतजार करने के बजाय हैंड मिक्सर से ही समोसे के साथ सर्व करने वाली चटनी बना ली। जब उसके बगल वाली लड़की का कढ़ाई का काम हो गया तो उससे कढ़ाई लेकर आरुषि ने उसे धोया, पेपर नैपकिन से पोंछकर नया तेल डाला और गरम करने रख दिया। समोसे बनाने के लिए गुने हुए मैदा से उसने एक लोई तोड़ी और उसे बेलकर पूरी बनाई। उसने स्टफिंग के लिए आलू पहले ही तैयार कर रखे थे। उस पूरी को काटकर उसमें स्टफिंग भरी और समोसे का शेप दिया। इसी तरह कुछ समोसे तैयार करने के बाद उसने तलने के लिए पहला समोसा कढ़ाई में डाला। लेकिन ये क्या, वो तो डालते ही फट गया। आरुषि रुआसी हो गई। उसकी नजर वॉल क्लॉक पर गई। अब तो केवल 20 मिनट ही बचे थे। आरुषि घबरा गई। उसकी हालत देखकर उसके बगल में खड़ी रूपा को बुरा लगा। वो भी 8th स्टैंडर्ड में ही पढ़ती थी, पर उसका सेक्शन अलग था। अरे, ये क्या हो गया?
अरे यार रूपा, समझ में नहीं आ रहा कि ये समोसे फट क्यों रहे हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। रूपा ने उसे फूड थर्मामीटर दिखाकर इशारा किया। आरुषि को तुरंत समझ में आ गया कि उससे कहां गलती हो गई। ओह, तो तेल पूरा गर्म नहीं हुआ। लेकिन आरुषि, मेक इट फास्ट, टाइम कम बचा है। उसने तुरंत आरुषि को फूड थर्मामीटर का इस्तेमाल करना सिखाया। आरुषि ने तेल साफ किया और फूड थर्मामीटर से तेल का टेम्परेचर नापा और उसके बाद समोसों को कढ़ाई में डाला। तेल गर्म हो चुका था पर समय निकलता जा रहा था। हड़बड़ी में समोसा डालते हुए गर्म तेल के कुछ छींटे आरुषि के हाथ पर पड़ गए। आरुषि की हल्की सी चीख निकल गई लेकिन उसने फिर भी अपना काम जारी रखा। अब समोसे एकदम गोल्डन ब्राउन सिक कर बाहर आए, तब आरुषि को थोड़ी राहत मिली। अब बस 5 ही मिनट बचे थे। आरुषि ने एक प्लेट में समोसे रखे और उसके साथ पुदीने और इमली की लाल चटनी भी रखी। तभी उसे याद आया कि प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। वो इंग्रेडिएंट्स वाले टेबल की ओर दौड़ कर गई और सॉस की बोतल उठा लाई। एक कटोरी में उसने सॉस डाला और कुछ समोसों के तिकोने वाले सबसे ऊपरी हिस्से को सॉस में डुबो दिया। बचे हुए समोसों के ऊपरी तिकोने हिस्से को उसने पुदीने की हरी चटनी में डुबोया। फिर उन समोसों को एक प्लेट में एक के बाद एक अरेंज कर दिया। वो खुश थी कि उसके समोसे अब काफी आकर्षक दिख रहे थे। तब तक अविनाश और मोहित भी आरुषि के पास आकर खड़े हो गए। उनकी निगाहें उसके बनाए टेस्टी समोसों पर टिकी हुई थी। आरुषि ने उनकी ओर देखा। ओए, तुम दोनों अगर अभी इसे खाने की सोच रहे हो तो भूल जाओ। पता है, वो तो बस मैं कह रहा था कि समोसे के साथ चाय अच्छी लगती है, वो भी बना लो, तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। उसके ये कहते ही मोहित हंसने लगा। तुम हमारी दोस्त हो तो हम इतना तो सजेस्ट कर ही सकते हैं ना। आरुषि मुस्कुराती। इधर कॉन्टेस्ट का समय खत्म होने से पहले राम्या मिस ने ऑफिस बॉय सोनू को लेकर एक बड़ा सा टेबल तैयार कर दिया था। वहीं सबको डिशेस डिस्प्ले करनी थी। किसी ने कचौरी बनाई, किसी ने पराठे, किसी ने बिरयानी तो किसी ने हलवा और केक। हर डिश पर उसे बनाने वाले पार्टिसिपेंट के नाम की पर्ची लगा दी गई। फिर राम्या मिस टीचर्स के पास आईं। आप लोग इन डिशेस को टेस्ट कीजिए और बताइए कि कौन है इस कॉन्टेस्ट का विनर। प्रिंसिपल मैम और सभी टीचर्स डिशेस को टेस्ट कर रहे थे, साथ ही लिस्ट में पार्टिसिपेंट्स को मार्क्स देते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद राम्या मिस प्रिंसिपल के साथ आईं। सभी बच्चों की धड़कनें तेज हो गई थी, आरुषि की भी। प्रिंसिपल मैडम ने एक नज़र सभी बच्चों पर डाली। स्टूडेंट्स, आप सबकी बनाई हुई डिशेस हमें बहुत पसंद आईं। वेल डन। पर कॉन्टेस्ट के लिए तो केवल किसी एक को ही भेजा जा सकता है और इस कॉन्टेस्ट की विनर है रूपा। उसका बनाया स्टफ्ड पनीर बाटी और चूरमा सबको बहुत पसंद आया। बच्चे ताली बजाने लगे पर आरुषि बहुत नर्वस थी क्योंकि वो किसी भी हाल में ये कंपटीशन जीतना चाहती थी। थोड़ा रुककर प्रिंसिपल मैम ने अपनी बात कंटिन्यू की। इसके अलावा हमने एक स्टूडेंट को स्टैंड बाय भी रखा है और वो है टेस्टी समोसे बनाने वाली स्टूडेंट आरुषि। तो राम्या मिस, आप कल से रूपा और आरुषि को लंच ब्रेक के बाद ट्रेनिंग देना शुरू कर दीजिए। सबने दोबारा तालियां बजाई। अब आरुषि के चेहरे पर थोड़ी राहत थी। एक एक कर सभी लैब से चले गए। रूपा और आरुषि राम्या मिस से मिलने के लिए रुके रहे। तभी ऑफिस बॉय ने आकर राम्या मिस को एक पेपर दिया। उसे पढ़ने के बाद राम्या मिस काफी टेंशन में आ गई। रूपा, तुम्हारे घर से फोन आया है, तुम्हारे दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, तुम्हारे पेरेंट्स सीधे स्कूल से ही तुम्हें पिक करेंगे। वैसे कहाँ रहते हैं तुम्हारे दादाजी? राम्या मिस की बातें सुनकर रूपा थोड़ी परेशान हो गई। मिस बनारस में। ओह, तो तुम्हें वहां से लौटने में समय लग सकता है और कॉन्टेस्ट तो अगले वीक ही है। मुझे आरुषि को ही प्रिपेयर कराना होगा। ये सुनकर रूपा का चेहरा उतर गया। बुरा तो आरुषि को भी लगा पर बस थोड़ी देर के लिए। फिर वो ये सोचकर खुश हो गई कि अब कॉन्टेस्ट में अपने स्कूल को वही रिप्रेजेंट करेगी। शाम के 5 बज रहे थे। स्कूल की छुट्टी हो गई थी।
सभी बच्चे अपना ग्रुप बनाकर स्कूल बस और ऑटो रिक्शा की तरफ जा रहे थे। आरुषि भी अपनी बेस्ट फ्रेंड सनाया और गौरी के साथ थी। सनाया ने आरुषि की पीठ पर एक धौल जमाया। वाह आरुषि, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। सनाया, लेकिन अभी तो कल के साइंस टेस्ट की सोच। तभी गौरी ने चलते चलते आरुषि का हाथ पकड़ लिया। अरे साइंस तो बड़ा इजी है, बोल कुछ समझ में नहीं आ रहा तो रुक कर समझा दूं तुझे। सनाया ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तू तो बस कंपटीशन पर कंसंट्रेट कर, लेकिन यार तू इतनी टेंशन में क्यों है? गौरी ने देखा कि आरुषि अपने ही ख्यालों में खोई थी। लो इनके सिलेक्शन से हम लोग कितने खुश हैं और इन मैडम का मुंह लटका हुआ है। आरुषि रुआसी हो गई। इस कंपटीशन में पार्ट लेने का मतलब है पापा से परमिशन लेटर साइन कराना। ओ सनाया और गौरी दोनों को अब बातें कुछ कुछ समझ में आ रही थी। गौरी ने आरुषि के कंधे पर हाथ रखा। तू ना अपने पापा का एंगर मैनेजमेंट करवा। सनाया से रहा नहीं गया। तू और तेरा एंगर मैनेजमेंट, बात तो जूनियर शेफ की हो रही है ना, और तू पेरेंट्स मैनेजमेंट पर पहुंच गई। गौरी ने सनाया की बातों को अनसुना करते हुए आरुषि के कंधे को हल्के से झकझोरा। अरे तू आंटी से तो पूछ, क्या पता वो मान जाए। मम्मी की भी पापा के आगे कहां चलती है। तभी जोर से स्कूल बस के हॉर्न की आवाज आई। सनाया चौंक गई। चल हम दोनों जा रहे हैं, और जरा सामने देख, तेरी पूंछ राशि भी आ गई। अंकल उसे बहुत प्यार करते हैं ना, तू अपनी इस पूंछ से हेल्प ले ले साइन कराने में। तीनों हंस दिए। सनाया और गौरी बस में चढ़ गईं। आरुषि को देख राशि की आंखों में चमक आ गई। राशि की क्लास तो आरुषि से 2 घंटे बाद शुरू होती थी, लेकिन छुट्टी साथ में ही होती थी, फिर दोनों बहनें साथ में ही घर जाती थी। दीदी दीदी क्या हुआ आपके कंपटीशन का? आज जीत गए ना, आज जीत गए ना। मैंने तो पहले से क्लास में सबको बोल दिया था कि मेरी दीदी ही जीतने वाली है। अरे 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 तूफान मिल। हाँ स्कूल की तरफ से मैं ही जूनियर शेफ में जाऊंगी। जाऊंगी तो आप स्कूल में कुछ नहीं बनाओगे? क्योंकि कंपटीशन यहाँ नहीं है ना बुद्धू। बातें करते करते आरुषि और राशि अगली गली तक पहुंच गए। कुछ और आगे चलकर ये गली आरुषि की कॉलोनी में खुलती थी। रास्ते के दोनों ओर कुछ दुकानें थीं, जहां से कॉलोनी वाले अपनी जरूरत की चीजें लिया करते थे। कॉलोनी में अधिकतर घर डुप्लेक्स थे और कुछ मल्टी स्टोरी भी थे। आरुषि एक 5 मंजिल की बिल्डिंग में रहती थी। जैसे जैसे घर करीब आ रहा था आरुषि की टेंशन बढ़ती जा रही थी। वहीं राशि अपने टिफिन में बची हुई कुकीज खाने में जुटी थी और जूनियर शेफ के बारे में सवाल भी पूछती जा रही थी। दीदी जब आप कंपटीशन जीत जाओगी ना तो मैं क्लास में ना सबको बताऊंगी, सब मेरे फ्रेंड्स बन जाएंगे, मुझे मॉनिटर भी बना देंगे, देख लेना। ये सुनकर आरुषि को थोड़ा गुस्सा आ गया। राशि ये तो तभी होगा ना जब पापा परमिशन लेटर साइन करेंगे। एंड यू नो ना पापा को पढ़ाई के अलावा किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करना अच्छा नहीं लगता, वो नहीं करेंगे। तो फिर आप ही पापा की साइन कर दो। कार्टून फिल्म में तो तबीता यही करता है ना जब वो मैथ्स टेस्ट में 0 लाता है। नो राशि इट्स अ बैड आइडिया, हमें पुलिस पकड़ सकती है। दीदी जब पुलिस पकड़ने आएगी ना तो हम किसी दूसरे प्लैनेट पे छिप जाएंगे। राशि ने मुंह से पुलिस के सायरन की आवाज निकाली। आरुषि ने देखा कि राशि का गोल मटोल मुंह कुकीज की वजह से और भी गोल हो गया था, और ऊपर से सायरन की आवाज, ये देखकर वो हंस पड़ी। तू ना पूरी कार्टून है। जूनियर शेफ तो यहाँ है ना हमारे प्लेनेट पर, तो उसके लिए तो यहीं आना पड़ेगा ना। तो जूनियर शेफ किसी और गैलेक्सी में करवा ले। आरुषि इस बार थोड़ी झल्लाई। अरे ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्या पापा कोई दूसरी गैलेक्सी में भेज दूं? अचानक राशि गाना गाने लगी।
बापू से हट के लिए तू तो हानिकारक है। बापू से हट के लिए तू तो हानिकारक है। जब दोनों घर से कुछ ही कदम की दूरी पर थे, किसी ने उनका रास्ता रोका। वो मोनिका थी। हाय आरुषि, पता है हमारे शहर में एक कुकिंग कंपटीशन है और मेरे स्कूल से मेरा नाम गया है। तुम तो बस कॉलोनी के कंपटीशन और दुर्गा पूजा पंडाल में स्टॉल लगाकर ही खुश रहो। 14 साल की मोनिका ने आरुषि और राशि पर रौब जमाने की कोशिश की। मोनिका दूसरे स्कूल में पढ़ती थी। गोरी चिट्टी मोनिका खुद को बेहद खूबसूरत मानती थी। चूंकि आरुषि कई बार उसे कॉलोनी में होने वाले कुकिंग कॉम्पिटिशन में हरा चुकी थी, सो वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। राशि को मोनिका का उसकी दीदी से ऐसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। ए मोनिका दीदी, मेरी दीदी का भी सिलेक्शन हो गया समझी, और वो ही बनेगी जूनियर शेफ। आपको तो वो कितनी बार हरा चुकी है, अब फिर से हरा देंगी, है ना दीदी? हे लिसन, कॉलोनी में जीतना और कुकिंग कॉन्टेस्ट जीतना अलग अलग बातें हैं, समझी? आरुषि ने मोनिका की बातें अनसुनी कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मोनिका ने आगे बढ़ने ही नहीं दिया। ये देखकर राशि को और गुस्सा आ गया। मोनिका दीदी घर जाने दो, वरना आपकी चोटी में गुब्बारे बांध के ना उड़ा दूंगी। ओए छुटकी, तू ना चुप हो जा, वरना मैं तेरे कार्टून हीरो तबिता की पिटाई कर दूंगी। और क्यों मैं सारुषि, तुमसे डर के मारे बोला नहीं जा रहा क्या? देखो मेरे तबिता को कुछ मत करना, मोनिका टोनिका, मैं तो तुमको दीदी भी नहीं बोलूंगी। आरुषि, तुम खुद नहीं बोल सकती क्या, जो अपनी सिस्टर को बोलने का काम दे दिया है? इतनी देर से शांत आरुषि के सब्र का बांध टूट पड़ा। उसने राशि को चुप होने का इशारा किया। विनर तो वही होगा जो खाना बनाने में अच्छा होगा, सो वेट एंड वॉच, वील सी। मोनिका ने अपने कंधे उचकाए, आरुषि को खा जाने वाली नजरों से घूरा और आगे बढ़ गई। आरुषि अब और भी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि अभी तो परमिशन लेटर भी साइन नहीं हुआ था और मोनिका ने उसे चैलेंज भी कर दिया। राशि ने उछलकर घंटी बजाई। आरुषि गुमसुम थी। प्रीति ने अपने बालों का जूड़ा बनाया और तेज कदमों से चलते हुए दरवाजा खोलने पहुंची। प्रीति आरुषि और राशि की माँ थी। उम्र लगभग 35 साल, दुबली पतली लेकिन दिखने में सुंदर। वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। आई आई, 2 मिनट, अरे रुको तो सही। प्रीति ने दरवाजा खोला और राशि से उसका बैग ले लिया। आरुषि बोझिल कदमों से घर के अंदर आई। उसने अपना बैग और शूज जगह पर रखे। वहीं राशि ने घर में घुसते ही रिमोट उठाया और टीवी में बिजी हो गई। कैसा रहा आज का मैथ्स का टेस्ट आरुषि? आई होप 60% आ जाएंगे। गुड, वरना पापा का गुस्सा तो तुम जानती ही हो। ये कहते हुए प्रीति ने आरुषि के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। इधर राशि का ध्यान तो टीवी में ही था। और तुमने क्या किया स्कूल में राशि? मम्मा सब ठीक था, आज तबिता का फुटबॉल मैच दिखाएंगे तो प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। ये कहकर राशि फिर से टीवी देखने लगी। वहीं आरुषि अपने ख्यालों में डूबी अपने रूम में चली गई। रात के करीब 8:30 बज चुके थे। सुदीप भी डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था। अरे प्रीति, खाने में अभी देर है क्या? पहले बताना था, थोड़ी देर बाद आ जाता। नहीं बस 2 मिनट। फिर प्रीति ने फटाफट रसोई के प्लेटफॉर्म से रोटी का डिब्बा उठाया और पलटी तो देखा कि आरुषि भी हाथ में पानी की बोतल लिए खड़ी थी। आरुषि, कोई बात है क्या? नहीं तो मम्मा, कुछ नहीं। डिनर टेबल पर सुदीप भी आरुषि और राशि से उनके दिन भर का हाल पूछ रहा था। प्रीति, आरुषि और राशि उसके सवालों का जवाब देते हुए खाना खा रहे थे। प्रीति, आज 2 काम कहकर गया था, हो गए ना दोनों? हाँ। 37 साल का सुदीप आरुषि और राशि का डैडी था। हाइट ठीक ठाक थी, लेकिन दुबला पतला होने की वजह से कद ऊंचा लगता था।
वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट था। सुदीप ने खाना खाते खाते आरुषि की ओर देखा। आरुषि, कल तुम्हारा साइंस टेस्ट है ना? कुछ नहीं आता हो तो पूछ लेना, पर नंबर अच्छे आने चाहिए। यस पापा। आरुषि ने सिर झुकाए झुकाए जवाब दिया। प्रीति ने आरुषि की साइड लेने की कोशिश की। अभी तो ये सिर्फ 8th में ही है ना, तो अभी से इतना प्रेशर क्यों देना? सुदीप को प्रीति का टोकना पसंद नहीं आया। अभी से प्रेशर नहीं देंगे तो 10th और 12th में आदत नहीं पड़ेगी। अब तुम्हें ही देखो, बस एक प्ले स्कूल की जूनियर टीचर हो। आगे पढ़ाई कर ली होती तो किसी कॉलेज में प्रोफेसर होती। इसीलिए कहता हूँ कि कम से कम अपने बच्चों पर ध्यान दो, ताकि वो ठीक से पढ़ाई कर सके। और राशि का टीवी देखना थोड़ा कम करवाओ। प्रीति की आंखें भर आईं। ये पहली बार नहीं था जब सुदीप ऐसी कड़वी बातें कर रहा था। आरुषि ने इस वक्त चुप रहना ही ठीक समझा, लेकिन परेशानी ये थी कि उसे परमिशन लेटर साइन करवाकर 2 दिन के अंदर देना था। अगर वो ये मौका मिस कर देगी तो उसके सपने, टीचर्स और उसकी फ्रेंड्स की उम्मीदें सब टूट जाएंगी। खाना खा लेने के बाद बड़ी हिम्मत करके आरुषि एक पेन और पेपर लेकर मम्मी पापा के रूम में गई। उसे पता था कि पापा साइन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो ट्राई करना चाहती थी। पापा, आपसे काम था। हाँ बेटा, बोलो। पापा, एक कॉन्टेस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। परमिशन लेटर पर आपके साइन चाहिए थे। सुदीप ने अपना ध्यान लैपटॉप से हटाया और चश्मे की आड़ से आरुषि को देखने लगा। साइंस ओलंपियाड या मैथ्स ओलंपियाड में? जूनियर शेफ में पापा। व्हाट? जूनियर शेफ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाओ, ये कोई शेफ वेफ में नहीं। समझ में आया तुम्हें? पापा प्लीज, आपको मालूम नहीं है मेरी बनाई डिश प्रिंसिपल मैडम को भी पसंद आई थी। प्लीज प्लीज पापा, आई वांट टू टेक पार्ट। बहस मत करो, अपने रूम में जाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सब किसी काम नहीं आता। आरुषि को गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। वो शेफ बनने का ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। वो अपने रूम में आई तो देखा राशि अपने सॉफ्ट टॉय तबिता को गुड नाइट कर रही थी। फिर उसे राशि की दोपहर की बातें याद आईं और उसने डिसाइड कर लिया कि उसे क्या करना है। वो इसी बारे में सोचते सोचते सो गई। अगले दिन आरुषि मुस्कुराते हुए उठी। आज उसने घर में किसी से ज्यादा बात भी नहीं की और फटाफट तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गई। रास्ते में वो बार बार अपने बैग में रखे परमिशन लेटर को निकालकर देखती और खुश हो जाती। स्कूल पहुंचते ही वो ऑफिस में गई और उसने लेटर सबमिट कर दिया। दूर कहीं गाना बज रहा था। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। अभी आपने सुनी रूना आशीष की लिखी कहानी जूनियर शेफ, सोनल कौशल की आवाज में। ये स्टोरी टेल की 2018 की प्रस्तुति है।